नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर पारस कपूर, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पारस कपूर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाहन और घर के सुख के बारे में कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिससे किसी इंसान को वाहन और घर का सुख प्राप्त होता है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ये योग कब कारगर होता है और कब वाहन या घर का सुख मिलेगा। ज्योतिष में एक उल्लेख होता है भाव, भावेश और कारक, और कुंडली में फोर्थ हाउस सुख सुविधाओं का होता है, साथ ही घर और मकान का भी फोर्थ हाउस ही होता है। तो फोर्थ हाउस होता है हमारा भाव, फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है भावेश, और घर या मकान या गाड़ी का कारक होता है मंगल। तो किसी भी कार्य को देखने के लिए भाव, भावेश और कारक तीनों को ही देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही उच्च राशि या सव राशि में बैठा हो, इसके अलावा लगन में, केंद्र में कहीं पर भी सव राशि या उच्च राशि का बैठा हो, तो यह योग आपको प्राप्त होता है। यदि लग्नेश, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, चतुर्थेश, यह दोनों आपस में युति कर लें और शुभ प्रभाव में इनमें से एक उच्च राशि या सव राशि का हो, शुभ प्रभाव में किसी भी जगह पर कुंडली में बैठे हों, तो भी ये सुख आपको प्राप्त होगा। एक सूत्र ये भी है कि यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड उच्च राशि का होकर फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, तो इंसान को अपने जीवन में ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी, मकान या कोई गाड़ी का सुख प्राप्त होता है। एक सूत्र और, यदि मंगल जो कारक होता है मकान या गाड़ी का, यह किसी भी जगह पर उच्च राशि, सव राशि का लग्नेश और चतुर्थेश के साथ युति करके बैठा हो और किसी अन्य अशुभ प्रभाव के साथ ना हो, तो भी आपको यह सुख प्राप्त होगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, शनि, राहु, केतु ये अशुभ प्लैनेट्स हैं। यदि इनका प्रभाव फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, लगन पे, मंगल पर, किसी पर भी आए, तो यह योग उतना ही ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये योग है, कुंडली में मिलता है, तो कब यह योग फलीभूत होगा, कब आपको मकान या घर मिलेगा या गाड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं गोचर की, कि अगर आपको यह योग प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद कब यह योग फलीभूत होगा, तो उसके लिए हमें गोचर देखना होगा। शनि और गुरु का गोचर देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि शनि काल होता है, समय लेकर आता है, और गुरु देवी देवताओं का आशीर्वाद, साथ ही कारक मंगल को ना भूलिएगा। तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, लग्नेश और लगन, इन चारों में से किसी पर भी जब भी शनि, गुरु और मंगल, ध्यान रखिए तीनों का गोचर एक साथ आएगा, तो उस टाइम पीरियड में आपको यह सुख प्राप्त हो सकता है। यदि किसी अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो यह कमजोर होता चला जाएगा। अब आपको एक रेमेडी भी शेयर करता हूं, बहुत ही कारगर रेमेडी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इस रेमेडी से। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और अपने मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, यदि आपने मकान खरीद लिया है बट उसका पोजेशन नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है, और आप अपने मकान से मूव नहीं हो पा रहे, आप अपनी सिटी छोड़ के किसी दूसरे अन्य शहर में जाना चाहते हैं और मूव नहीं हो पा रहे, तो स्क्रीन पर दिए गई इस पिक्चर को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाएं। ध्यान रखिएगा खास बातों का कुछ, कि इस पिक्चर के पीछे अपने सभी फैमिली मेंबर्स का नाम लिखिए, उसके बाद इसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। एक चीज और, इस पिक्चर की फेसिंग आपके घर के बाहर की तरफ होनी चाहिए, जोन का और फेसिंग का खास ध्यान रखना है। यह लगाने से आप जल्द ही अपने घर से मूव हो सकेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए या कोई समस्या के लिए
या आपको वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए ऑफिस या इंस्टीट्यूट के एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं विद अपॉइंटमेंट्स। हमारे कुछ कोर्सेज भी नए शुरू होने जा रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और बेसिक वास्तु कोर्स के, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।